नई जानकारी के लिए बीसीटी को सब्सक्राइब जरूर करें और जय गंगा रिकॉर्डिंग स्टूडियो के विषय में टोटल डिटेल्स आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगा। और फिर ये हैं रंजीत रसीला जी जिनका स्टूडियो है और टोटल डिटेल्स देते हैं हम आपको उच्चतम ऑडियो रिकॉर्डिंग क्वालिटी के लिए बढ़िया माइक और पूरा डिटेल्स जो है हम आपको इनसे कुछ खास बातचीत करके सुनाते हैं। तो दोस्तों बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल भोजपुरी सिनेमा टीवी पर। तो दोस्तों जो लोकेशन है, जो माहौल है, इन सब चीज़ों को देखकर आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम फिर किसी स्टूडियो में बैठे हैं और इसी स्टूडियो के विषय में आज हम चर्चा करेंगे और ढेर सारा जानकारी देंगे। और देखिए जो सिस्टम होता है भोजपुरी लोकगीतों में, सिंगर तो आ जाते हैं गाना गाने, कहीं से भी आ जाते हैं, लेकिन सही ढंग का जब तक सिस्टम वो नहीं मतलब पाते या नहीं पकड़ पाते हैं तब तक जो है उनको बहुत ढेर सारा प्रॉब्लम होता है। तो चैनल का जो मेन उद्देश्य है और जिस हिसाब से हम आप लोगों के बीच में सिस्टम को लेकर आते हैं, ऑडियो रिकॉर्डिंग वीडियो शूटिंग से रिलेटेड ढेर सारा जानकारी, उसी से रिलेटेड इस स्टूडियो का आज हम जो चर्चा करेंगे, जो विश्लेषण करेंगे, हम रंजीत रसीला जी से और जय गंगा रिकॉर्डिंग स्टूडियो में ढेर सारा चर्चा करेंगे इस स्टूडियो की विशेषता के बारे में और क्या व्यवस्था है इस स्टूडियो में और कैसे जो है सहयोग करते हैं नए पुराने भोजपुरी सिंगरों को और किस लेवल पर काम करते हैं और करना चाहते हैं, इन सब चीज़ों को आप लोगों के बीच में रखा जाएगा पूरे वीडियो में। तो दोस्तों आप बने रहिए भोजपुरी सिनेमा टीवी पर और अगर अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ में बेल आइकन को भी दबाएं। और ये जानकारी अगर आपको अच्छा लगता है, अपने दोस्तों को भी बताना चाहते हैं तो वीडियो को शेयर करके ज़रूर बताएँ ताकि कोई ऐसा जो कलाकार है, आर्टिस्ट है या राइटर डांसर या सिंगर है उनको जानकारी मिल पाए। तो दोस्तों अब हम आपको मिलाएंगे जय गंगा रिकॉर्डिंग स्टूडियो में रंजीत रसीला जी से। तो रंजीत रसीला जी बहुत बहुत स्वागत है आपका भोजपुरी सिनेमा टीवी पर। और जैसे कि आप देखते होंगे भोजपुरी के जो ऑडियो रिकॉर्डिंग और वीडियो शूटिंग का जो सिस्टम है, अपने इस भोजपुरी सिनेमा टीवी के माध्यम से हम अपने दोस्तों के बीच में हमेशा से लेकर आते रहे हैं। तो आपका जो जय गंगा रिकॉर्डिंग स्टूडियो है इसके विषय में बहुत ढेर सारा चर्चा होता रहता लोगों के बीच में, मैंने सुना भी। तो आज अपने दोस्तों से क्या बताना चाहेंगे जय गंगा रिकॉर्डिंग स्टूडियो के विषय में और अपने विषय में? सभी श्रोता को नमस्कार, मेरा मैं रंजीत रसीला, जय गंगा स्टूडियो का ऑनर हूं मैं। और आज बहुत सौभाग्य की बात है कि बीसीटी चैनल से हमारे भैया मेरे पास आए, मुझे इस लायक समझा, तो कुछ बातें होंगी यही पूछ रहे थे वही हम बताना चाहते हैं कि जय गंगा स्टूडियो क्या सुविधा देती है। भैया ने बताया ही जी। हाँ भैया, तो रंजीत जी जैसे देखो स्टूडियो तो बहुत है मार्केट में, देखा भी जाता, आपने चैनल पे देखा भी होगा और अपने दोस्त भी देखते रहते हैं, लेकिन जब बात आती है एक लेवल की, मतलब ढंग का काम करके देने की, तो कितना प्रतिशत आप जो है सिंगरों को सपोर्ट कर पाते हैं, इस विषय पर कुछ बताइए। देखिए सबसे बड़ी बात है जो भी सिंगर आते हैं जी, तो वो बड़ी उम्मीद लेके आते हैं कि हम जा रहे हैं दिल्ली, जा रहे हैं सिंगिंग करेंगे, अच्छा कुछ करेंगे। यहाँ पे तो सबसे पहले बहुत लोग ठगी का शिकार हो जाते हैं और वो चीज हो नहीं पाता है, एक से एक नए स्टूडियो। हाँ, मतलब जो सोच के आते हैं वो चीज नहीं पाते, नहीं पाते हैं। कारण है कि पैसा तो देते ही है, एक तो अनुभवी यहाँ पे जो होंगे वही अच्छा काम करेंगे, काम करके। यहाँ पे है कि अनुभव है नहीं, फिर भी यहाँ पे बहुत सारी स्टूडियो लगी हुई है और लोग काम भी कर रहे हैं जो सिंगर को संतुष्ट नहीं कर पाते हैं जी। दूसरा देखते होंगे सभी को अच्छा म्यूजिक चाहिए, अच्छी वोकल क्वालिटी चाहिए जी, ठीक है। तो यहाँ की कहानी है, लगभग आपको दिल्ली से लोग बनारस जाते हैं, दिल्ली से मुंबई जाते हैं, दिल्ली से पटना जाते हैं, आखिर क्यों जाते हैं? हमारे अंदर कुछ कमी होगी, स्टूडियो में कुछ सेटअप में कमी होगी, ठीक है। तो इसलिए जब से जय गंगा स्टूडियो लगा है तब से हमारे पास जो भी सिंगर आए हैं मैंने उन्हें संतुष्ट किया है। अच्छा अच्छा। और जो मेरे पास आया उन्हें ना बनारस जाने की जरूरत पड़ी, ना मुंबई जाने की जरूरत पड़ी, ठीक है, और ना ही पटना जाने की जरूरत पड़ी, कारण मैं उनको संतुष्ट करके ही भेजता हूँ। अच्छा, तो जैसे बात आता है, देखो एक बढ़िया म्यूजिक रेडी करना, एक न्यू ट्रैक आइडियो जो है जी, जैसे
कहते हैं, कुछ लोग कहावत में भी कहते हैं कि जैसे जितना शक्कर डाला जाए उतना ही चाय मीठा होगा। इसको साथ में लेते हुए जो है एक बढ़िया ऑडियो ट्रैक बनाने के लिए जो आर्थिक सहयोग होता है, मतलब जो बजट अपना होता है, तो किस बजट तक आपका जो है बढ़िया काम करके निकल आता है यहाँ से? सिर्फ म्यूजिक की बात करें तो 3000 से स्टार्ट करते हैं। 3000 में भी हम जो म्यूजिक करते हैं वो यहाँ दिल्ली में अच्छे अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर वो नहीं कर पाएंगे, ठीक है, और ना ही करेंगे और ना ही करते हैं, ठीक है। और रही बात जो मुंबई लेवल का काम होता है, जैसे पवन सिंह का होता है, खेसारी लाल का होता है, प्रमोद प्रेमी जी का होता है, ठीक है, उस लेवल का भी हम काम करते हैं। अच्छा, ठीक है। और वैसे भी सिंगर मेरे पास आते हैं, मैंने बहुत सारे गाने किए हैं। अच्छा अच्छा, तो यह मेरे पास आने के बाद ये कमी दूर हो जाती है कि हमको कहीं और भी जाना है। हाँ, जब पूरा व्यवस्था जो है यहाँ से मिल जाएगा तो बंदा अलग क्यों जाएगा एक हिसाब से अगर सोचा जाए तो। और दोस्तों, जैसे लेवल का जो काम होता है, यानी कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि लोग समझ नहीं पाते, लोकल में या दिल्ली में ही आके फंस जाते हैं कहीं ना कहीं, किसी ना किसी स्टूडियो में पैसा भी ढंग से लगा लेते हैं, लेकिन जो अनुभव होता है, तजुर्बा होता है और जो मार्केट का डिमांड है, इस चीज़ को ना कंपोजर समझ पाता है और ना ही तो सिंगर ही समझ पाते, उनका पैसा बेकार हो जाता है और फिर जो है वो निराश होके रिटर्न चला जाते हैं। तो सर, कितना प्रतिशत गारंटी समझा जाए कि आप इन सब चीज़ों को जो है फोकस करके 100% जो है खरा उतरने की कोशिश करेंगे? देखिए, हम तो जो भी जिस सिंगर का भी मैंने काम किया है, ठीक है, अभी तक मुझे कोई निगेटिव कुछ ऐसा नहीं आया कि कोई किसी का आज तक कंप्लेन आया हो। अच्छा अच्छा, ठीक है, ये फुली गारंटी कहते हैं कि मेरे पास आज तक कंप्लेन ही किसी सिंगर का नहीं आया, क्योंकि जिस जो बजट हमको मिलता है उस बजट में मैंने जो भी काम किया, जो मेरे पास सिंगर आया वो कहीं और गया ही नहीं। अच्छा चलो ठीक है, ये तो रहा स्टूडियो के काम की बात। अब हम कर लेते हैं कि जैसे जो बात हमें करना है, जो सिंगर होता है, बहुत से सिंगर जो है अपना करियर बनाना चाहते हैं भोजपुरी लोकगीतों में और एकदम नए होते हैं, जी जी, उनको जानकारी नहीं होता है कि मतलब सिंगर जो है स्टूडियो में गाए कैसे और रिदम क्या है और मतलब क्लिक क्या होता है, इन सब विषयों में बिल्कुल जानकारी नहीं है, तो ऐसे सिंगरों को कैसे मैनेज करते हैं आप? देखिए, उनका कुछ मेरे पास ऐसा तरीका है, ठीक है, जो ऐसे हम आपको ऐसे कैमरा पे नहीं बता सकते हैं, वो सिंगर आते हैं, ठीक है, तो कुछ ऐसे ट्रिक पे हम काम करते हैं कि कितना भी नया हो, ठीक है, मैं उसे एज ए टेम्पो पे क्लिक पे गवाता हूँ, ठीक है, और रिदम पे इतना जरूर कर देता हूँ कि उसको कहीं से ये नहीं लगे कि मैं पहली बार गाया। अच्छा अच्छा, ठीक है, क्योंकि वो कुछ फार्मूले होते हैं जिस फार्मूले पे अगर हम काम करते हैं एक नए सिंगर के साथ, हाँ हाँ, तो मतलब परेशानी नहीं होती। टिप्स दिया जाता है, बताया जाता है कि भाई इस हिसाब से तू जो है रियाज कर ले और ऐसा काम करेगा तो मतलब कंफर्म हो जाएगा। हाँ हाँ। अच्छा जी, तो रंजीत जी, जैसे अपना जो भोजपुरी लोकगीतों का मार्केट है, विशेष मार्केट यूपी और बिहार झारखंड, मतलब एसटीडी के ही लोग हैं जैसे, जी जी, तो बाय द वे वो मान लिया अपने घर से आते हैं, गांव से आते हैं और उनका कोई रिलेशन नहीं है दिल्ली में, जी, तो अगर आपके पास आता है ऑडियो रिकॉर्डिंग कराता है तो लाजमी है कि हफ्ते भर दो चार दिन तो लग ही जाना है, जी जी, तो उसको तब तक जो है दिल्ली में बने रहना या बरकरार रहना या रुकने का जो है बहुत ज्यादा समस्या होता है, जी जी, तो इस प्रकार का भी कोई व्यवस्था है आपके पास कि सिंगर रुक सके? हाँ, कहीं से भी अगर बाहरी सिंगर आते हैं तो उनको रुकने की व्यवस्था की गई है, क्योंकि सभी के पास तो अपने होते नहीं है कि कहीं रह जाए, तो जब तक उनका वर्क होता है तब तक रहना सहना खाना पीना सब कुछ का व्यवस्था हम देते हैं, जी, ठीक है, और कहीं से किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो उनको, हाँ हाँ, ठीक है, सब तरह से देखभाल, मतलब उनके रहने का जो है इंतजाम है इधर स्टूडियो की तरफ से, कि जैसे कहीं से भी आए और आए अपना डमी दे, म्यूजिक जब तक कंपोज होता बनता है, काम जब तक होता नहीं है तब तक मतलब रहने के लिए कोई दिक्कत नहीं। तो मैं देख रहा हूँ कि मतलब तमाम जो है वो स्टूडियो हैं, कंपनियां हैं, तो वो खास करके भोजपुरी लोकगीतों के लिए एक विशेष ऑफर या डिस्काउंट का जो है सिस्टम लेके चल रही है, तो आपके कंपनी की तरफ से या आपके स्टूडियो की तरफ से कोई ऐसा व्यवस्था है? नए साल का मैंने ऑफर किया है, कुछ मैसेज भी करा मैंने कि 5000 में पर सॉन्ग ऑडियो वीडियो हम कर रहे हैं और पर्सनल मेरा कोई चैनल नहीं है, ठीक है, तो हम एज ए रिलीज जो भी बड़ी कंपनी है,
वेव है, टीएफ है, जो भी बड़ी कंपनी है जिन्हें सब जानते हैं, तो वहाँ से रिलीजिंग करा के देते हैं, ठीक है, जिसका रिलीजिंग का कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाता और उसी में काम अच्छा करके देते अच्छी ऑडियो अच्छी वीडियो करके देते हैं, ताकि सिंगर को ये लगे कि मैं जहां जब बड़ी कंपनियों में जाएगा रिलीजिंग के लिए खास करके, तो वहीं से दबाव हो जाएगा कि काम बढ़िया होना चाहिए, क्योंकि बड़ा अच्छा करके नहीं देंगे तो वो कंपनी सब रिलीज ही नहीं करेगा। तो अगर हम रिस्क लेते हैं खुद रिलीज कराने का, तो इसका मतलब ये है कि मुझे काम अच्छा करके ही देना है और मैं अच्छा करके ही देता हूँ। जी, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को जय गंगा रिकॉर्डिंग स्टूडियो का जो व्यवस्था है, जो सिस्टम है, इस पे भरोसा हुआ होगा, और भरोसा करके आप आएंगे और भली भांति ये जानकारी आपके माइंड में बैठा होगा, समझ गए होंगे। तो रंजीत रसीला जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना इतना कीमती समय दिया अपने दोस्तों के बीच में। और दोस्तों आप ऐसे ही बने रहिए भोजपुरी सिनेमा टीवी पर, हम मिलेंगे आपको एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।